प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना व मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना लागू किए जाने से प्रदेश के व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजय अरोड़ा ने कहा कि व्यापारी के साथ होने वाली दुर्घटना एवं उससे होने वाली क्षतिपूर्ति के कारण भी व्यापारियों को अनेक समस्याएं झेलनी पड़ती है। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हरियाणा सरकार ने ये दो नई बीमा योजना की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि आज तक किसी भी सरकार ने व्यापारियों के हित के लिए कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के हित में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के लिए 5 से 25 लाख रुपए तक के नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है। सीएम ने ऐलान किया है कि राज्य में 3,13,000 फर्म जीएसटी पंजीकृत है। इसी तरह से जीएसटी के तहत कुल 3,86,689 व्यापारी पंजीकृत हैं। सरकार ने यूनाइटेड इंडिया कंपनी से दोनों बीमा योजनाओं को कवर करवाया है। दोनों योजनाओं का सालाना प्रीमियम करीब 38 करोड़ रुपए बनेगा, जिसे सरकार वहन करेगी। इस मौके पर हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव प्रमोद गुप्ता ने भी हरियाणा सरकार की इन व्यापारी हितेशी योजनाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इनसे निश्चित तौर पर हरियाणा में व्यापार और उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की घोषणाओं पर खुशी जाहिर करते हुए जिला कर बार के उपाध्यक्ष एवं आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक सचिन हंस ने सरकार की इन योजनाओं को व्यापार व उद्योग जगत के लिए मील का पत्थर बताया है। देखो, सबसे पहले तो मैं जो ये छोटे स्मॉल जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वैसे तो जहाँ तक मैं इनका कार्यकाल देख रहा हूँ, समय समय पर जो भी जरूरी कदम उठाने चाहिए व्यापारियों के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उठाते रहे हैं। और ये तो मैंने मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये एक हिस्टोरिकल एक स्टेप जो उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इनको मैं बहुत ही एक काबिले तारीफ कदम है जो कि व्यापारी को एक विश्वास दिलाएगा आगे बढ़ने के लिए। और जो उनका स्टॉक का, जो फर्नीचर फिक्चर का जो लॉस होने की जो चांसेस है उनको ड्यू टू एनी क्लाइमेट और एनी अदर एक्टिविटीज, वो लॉ थेफ्ट फायर, तो उसके लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस उनको एक कदम उठाना है, उनको रजिस्टर्ड कराना है इस स्कीम में अपने आप को, और उसके बाद उनको इस स्कीम का उनको फायदा उठाना है। क्या अपील करना चाहेंगे आप व्यापारियों? मैं हर व्यापारी से यही अपील करना चाहता हूँ कि इसको, इस जो ये स्कीम है ये बहुत अच्छी है, उनके हित को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो इसको किसी भी एंगल से, किसी भी अफवाह से भी स्कीम में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की बातों में ना आते हुए एक सावधानी पूर्वक इस स्कीम को नजरअंदाज ना करें और समय रहते अपने आप को विदाउट एनी डिले अपने आप को एक रजिस्टर कराएं इस स्कीम के अंदर। थैंक यू सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और हमारे साथ है बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन संजय अरोड़ा जी। हम उनसे जानना चाहेंगे व्यापारियों के लिए सरकार ने जो नई बीमा पॉलिसी लागू की है, क्या फायदे होने वाले हैं इससे व्यापारियों को, क्या वो विचार है आपके? सरकार ने जो व्यापारियों के लिए क्षतिपूर्ति बीमा योजना एक लागू की है और एक निजी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, दो योजनाएं सरकार ने लागू की हैं। इन योजनाओं की शुरुआत लॉन्चिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सितंबर माह में कर दी थी और फॉर्मली अब इनको शुरू भी कर दिया गया है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होने वाला है। एक व्यापारी वर्ग ऐसा वर्ग था जो अभी तक उपेक्षित था, इसके लिए कोई जान माल की नुकसान की स्थिति में कोई भी कवरेज नहीं थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों के लिए एक ऐसी योजना चलाई है जो कि छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। अगर मान लीजिए किसी व्यापारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको निजी बीमा योजना के तहत लाभ मिलेगा, और उसके अतिरिक्त अगर उसके स्टॉक की, उसके फर्नीचर फिक्स्चर की हानि होती है, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा में या किसी आग लगने आदि की दुर्घटना में, तो उसको बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में पंजीकृत 3,13,000 के लगभग व्यापारियों को इसके अंदर कवर दिया है, जिसका प्रीमियम का कुल भुगतान 38 करोड़ रुपए का होगा, जिसको सरकार वहन करेगी।
ये एक आम योजना नहीं है, इससे संपूर्ण व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। और मैं सभी से आह्वान करता हूं, सभी व्यापारियों से, कि वो जल्द से जल्द इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराएं और इस सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ उठाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा व्यापारियों के लिए इसमें आने के लिए? व्यापारियों के लिए इसमें उन जो व्यापारी स्टेट में जीएसटी में पंजीकृत हैं, वे सभी व्यापारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और उनके टर्नओवर के हिसाब से, जो उनका टर्नओवर होगा उसी टर्नओवर के हिसाब से उनको नुकसान की भरपाई की जाएगी और प्रीमियम का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।